अगर अभी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कैसे आग लगा, लेकिन सब लोग रात को सोए थे। हमारे जो स्टाफ है, दो लोग ऑफिस में सोते हैं, बाकी के स्टाफ रूम में सोते हैं। तो अभी जब रात को उनको एकदम ही जब ऑफिस में सोए थे, एक धुआं सा आने लग गया ऑफिस के अंदर, तो फिर मालूम पड़ा कि एकदम आग लग गई। लेकिन पीछे की साइड में जो अपना स्टॉक रूम था, जहाँ प्लाईवुड और सब स्टॉक था, वो पूरा इस तरह से जल गया था। मेरे को फ़ोन किया, तब तक मैं पहुँचा, तब तक तो पूरा का पूरा फैक्ट्री जल गया था। कितना टाइम, कितना बजे, कितना बजे? ये मैं पहुँचा हूँ 4:30 बजे के आसपास। हाँ, उससे पहले फोन किया था। हाँ, 4:30, उससे पहले आग लग चुका था। लेकिन जब धुआं आया तब मालूम पड़ा, उससे पहले कुछ मालूम नहीं पड़ा। किस तरह की फैक्ट्री, क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पे सोफा, बेड, डाइनिंग, स्टील फर्नीचर की फैक्ट्री है। स्टील फर्नीचर जी। तो अभी कितना लॉस होगा आपको अंदाज़ा? जितना भी अभी जितना रॉ मटेरियल था, पूरा का पूरा जल गया। रॉ मटेरियल पूरा का पूरा जल गया। प्लाईवुड, ग्लास, रबर के जो बूचेस थे, पूरा हाइड्रोलिक पम्प और काफ़ी जो ऑफिस का जितने भी डॉक्यूमेंट थे, कंप्यूटर सिस्टम, पूरा का जल गया। कितना अंदाज, कितना अंदाज? एक 20-25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, पूरा का पूरा जल गया है। आपने जब भी यहाँ पे आया, फायर ब्रिगेड को फोन किया, तो टाइम पे पहुँचा यहाँ पे? नहीं, फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुँचा है। कितना गाड़ी लाना पड़ा इधर आपको? इधर मुझे लगता है 3-4 गाड़ी लाना पड़ा है। तो सब 4 गाड़ी लाने के बाद फिर जाके कंट्रोल में आया है वो। उन्होंने अपना काम किया, अच्छे से किया। क्या लगता है आपको ये आग लगने का कारण, शॉर्ट सर्किट वगैरह? अभी मैं एक्चुअली अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कल पीछे से कुछ आग लगा है। यहाँ पे हमारा जो लाइट का जो है, वो फ्रंट साइड में जो भी मतलब है, फ्रंट साइड, बैक साइड से आग लगा है। कल पूरा दिन एक्चुअली लाइट नहीं था, और जो मेन लाइन है वहाँ पे कुछ तो काम चल रहा था शायद। अभी कैसे क्या हुआ कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे। ओवरलोड हुआ? ओवरलोड भी हो सकता है, उन्होंने कुछ पावर। क्या एरिया का ये नाम, एरिया कौन सा है? ये उस गांव है ना, 12 जन अपना। लेकिन आप कितना साल से इधर फैक्ट्री चला रहे हैं? ये मैं 2012 से चालू है मेरा फैक्ट्री। हाँ, ये फर्स्ट टाइम ये हो गया ऐसा? हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मैं, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश मालविया। जज झाले केन्ना कॉल आयो तुमकां हांगा उजो लागला म्हणून? आयज सकाळी आमकां 5:00 सुमार तनेश मडकर कॉलर आनी आमकां कॉल दिले की फॅक्ट्रीक, स्टील फॅक्ट्रीक, स्टील फर्निचर फॅक्ट्री हांगा उजो लागला। इमिजिएटली आमी फोंड्याची 2 गाडयो टर्न आवट केले। हांवें पळयताले जो स्टोरेज एरिया आसलो, ते स्टोरेज एरियान ते कुशन, प्लायवूड आनी बाकीचे रॉ मटेरियल तेजे आसले, तेका उजो लागलो। इमिजिएटली आमी फायर फायटींग करून तो उजो पालयलो, आनी तो उजो स्प्रेड जावपाक दवरूंक ना तेजे एडजस्टंट जी प्रिमायसीस आसा तेजे फॅक्ट्रीची। सो हेज्या कारण जी मोठी घटना जावपाची ती आमी सेव केली हांगा येवन। कारण कशें? लॉस सद्या बी लॉस एस्टिमेट केल्लो ना, पूण ओनर कितें म्हणटा तो इट इज मोर दॅन 15 लाख, अप टू 20 लाख पर्यंत तेका लॉस जाल्लो आसा। आनी एग्जॅक्ट कॉज ऑफ फायर म्हटलें तो म्हणटा ओवर लोडींग जाल्ल्या कारणान हो उजो लागपाची चान्सीस आसा म्हणून। कितले फायर बॉम्ब लागले सर? हे फायर टेंडर हाडले, टोटल 3 फायर टेंडर आमी मागयले, 2 पोंडा 1 कुणेची मागयल्ली। तेज्या भायर आमी परत वॉटर आमी परत आमी गाडी एकदां भरून हाडली, टोटल 4 वॉटर टेंडर आमकां हांगा हे उजो पालोवपाक लागले।